Hey guys, welcome to Education Hub. So guys, today we are going to do one important topic from your class 12th chemistry, and the topic is based on your numericals that are related to your concentration of solution, right? So this topic is basically from your chapter solution, right? So let's see few questions. So as you know guys, as I have already told you that today we are going to discuss few numericals which are based upon your concentration of solution, right? So this topic is from your chemistry and it is your chapter 2 from class 12th, you already know. But this topic is really very important guys, because this chapter and especially this topic consists of your a lot of formulae. And the questions are generally asked from these formulas, so we cannot skip without solving any of the questions related to those formula, right? So this video is going to really help you with the numericals. So first question is, your first question is very easy question, you will easily able to solve. Agar formula yaad hai, because the chapter solution is based upon formulas only, right? So question क्या है कि 18 ग्राम सुक्रोज is dissolved in 162 ग्राम of H2O, right? So calculate the mass percentage of solution. Calculate the mass percentage of solution. बहुत easy है, right? So आपके question में क्या बोल रहा है कि जो एक sucrose इन्होंने लिया है जिससे 18 ग्राम, यानी कि ये क्या है, solute है इनका, right? This is your solute. और इन्होंने क्या लिया है, 162 ग्राम ऑफ H2O लिया है. It means H2O क्या है, solvent है, right? इन दोनों को mix करके इन्होंने क्या बनाया, solution, right? इन दोनों को add करके इन्होंने क्या बनाया, solution. So ये पूछ रहे हैं कि जब 18 ग्राम ऑफ सुक्रोज को हमने 62 ग्राम ऑफ H2O में डिसॉल्व किया, तो मास परसेंटेज क्या होगा सॉल्यूशन का, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो फार्मूला याद होना चाहिए कि हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, राइट? सो सी, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फार्मूला. सो मास परसेंटेज का फार्मूला याद होना चाहिए इसके लिए, एंड आई होप कि सबको याद भी होगा. मैंने एक एक फार्मूला बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. सो फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन हमें क्या याद होना चाहिए, मास परसेंटेज का फार्मूला. व्हाट वी शुड बी रिमेम्बरिंग, मास परसेंटेज का फार्मूला याद होना बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए. सो मास परसेंटेज का फार्मूला मैंने बताया था when I was teaching you this topic, mass percentage का formula क्या होता है. Anybody अगर किसी को याद है so well and good, और अगर नहीं याद है तो अब याद कर लीजिए, because जो भी questions आपके solution chapter से पूछे जाएंगे they will be asked on formula for you. So इससे बेहतर है कि हमें चीज़ें याद रहें. So formula क्या है, mass of component, right, upon mass of solution, mass of component in solution upon total mass of solution into 100. So this is your formula, right? मैंने पढ़ाते टाइम भी यही formula बताया था कि mass जो होगा solute का, that will be in your numerators and
टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डिनोमिनेटर में रहेगा और हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इन्हें, 100। ठीक है, अब याद होगा कि हमें क्या क्या चीज़ें दी गई थी। 18 ग्राम दिया गया था किसका, सॉल्यूट का, दैट इज योर कॉम्पोनेंट, राइट। और 162 ग्राम हमें क्या दिया गया था, H2O दिया गया था ये चीज़ें। सो यहाँ टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे। व्हाट विल यू डू, यू विल ऐड दीज थिंग्स। सो हमें क्या मिलेगा, अराउंड 180 ग्राम मिलेगा। सो जस्ट पुट ऑल दीज वैल्यूज इन फॉर्मूला, लेट्स सी क्या आता है। हमारा क्या था, सॉल्यूट था, राइट। तो सुक्रोज की वैल्यू क्या थी, 18 ग्राम थी। सो जस्ट पुट वैल्यू योर 18 ग्राम इन फॉर्मूला, मास परसेंटेज बाय मास, राइट, इज इक्वल टू 18 अपॉन। अब हमने एक चीज और कैलकुलेट की थी, रिमेंबर, अगर याद हो आ रहा हो तो हमने क्या कैलकुलेट किया था, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन का हमने कैलकुलेट किया था। क्या किया था हमने उसके लिए, 18 प्लस 162 कर दिया था। क्या किया था, 18 प्लस 162 करने के बाद हमें क्या मिला था, अराउंड 180 ग्राम हमें मिला था सॉल्यूशन का वेट। सो जस्ट पुट दिस वैल्यू इन डिनोमिनेटर, 180 बाय 100, राइट। ये हमने पूरा क्या किया, वैल्यूज को हमारे फॉर्मूले के हिसाब से प्लेस कर दिया। नाउ जस्ट सिंपली सॉल्व देम, योर 10 विल बी कट इट फ्रॉम हियर, दिस विल कट डाउन, इजी है सब कुछ। तो इसमें आपको एकदम क्लियर दिया हुआ, 0 से आपका 0 कट जाएगा, 180 का 18 कट जाएगा। नाउ आपका मास परसेंटेज क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू योर 10%। ठीक, तो इस टाइप से आपको ये सॉल्यूशन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चंस बहुत सिंपल वे में पूछे जाते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ट्राई टू सॉल्व देम बाय होल हार्ट। बहुत इजी होते हैं, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं होता है। एक क्वेश्चन और है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन का है, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। वैसे तो ईजी क्वेश्चन है वो। सी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 184 ग्राम हमें क्या मिला है, इथाइल अल्कोहल, क्या मिला है, इथाइल अल्कोहल, जिसको हमने मिक्स किया है 72 ग्राम ऑफ वाटर के साथ, मिक्स्ड विद 72 ग्राम ग्राम ऑफ वाटर, राइट। ये क्या है हमें, सो रेशियो क्या मिला है, व्हाट इज रेशियो ऑफ योर इथाइल अल्कोहल to that of H2O, right? So you have to calculate this. इसमें आपको क्या क्या चीज़ें बताएंगे, सबसे पहले आप ये एनालिसिस क्या करो कि आपको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। सो हमें दिया गया है इथाइल अल्कोहल का मास, दैट इज 184 ग्राम, और H2O का मास क्या दिया गया है, 72। इसमें हमें निकालना क्या है, रेशियो निकालना है इथाइल अल्कोहल का किसके साथ, H2O के साथ। सो इसमें आप क्या यूज करोगे, मोल फ्रैक्शन का इसमें आपको रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ, यहाँ पे एक चीज आप और ऐड कर लो, मोल फ्रैक्शन, राइट। सो इसमें भी सिंपल न्यूमेरिकल आएगा, कुछ इतना डिफिकल्ट तो है दिया नहीं हुआ है, राइट। सो लेट्स गो एंड सॉल्व वंस अगेन दिस।
इसमें आपको सबसे पहले जो एनालिसिस करनी थी आपने वो कर ली है। अब आपको मोल क्या निकालना है, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला आपका होता है C2H5OH। दिस इज फॉर्मूला फॉर योर इथाइल अल्कोहल। सो इसका आपको क्या निकालना है ना, यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, मैंने बताया था व्हेन आई वाज टीचिंग द चैप्टर। इसमें हम क्या करते हैं कि जितना मास होता है दिया क्वेश्चन में उसको हम ऊपर की तरफ लिखते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट द वैल्यू फॉर द गिवन कंपाउंड अकॉर्डिंग टू फार्मूला। इसका मतलब क्या, मैं ये क्या बोल रही हूँ, इसका मतलब है कि हम मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गॉट इट। सो इसका मोलर मास आप क्या निकालोगे, 12 into 2 करोगे, कार्बन का 12 होता है, प्लस 1 into 5, प्लस योर ऑक्सीजन इज 16 plus 1। सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल फाइंड आउट आंसर ऑफ योर्स एज 46. So when you will solve this equation by dividing 184 by 46, you will get answer as 4 gram per mole. Right? So 4 gram per mole आपको number of moles मिल गए। अब आपको same wise क्या निकालना है, number of moles किसका, water यानी कि H2O का। So now calculate that number of moles ऑफ H2O। सिंपल है राइट, हमें H2O का वेट कितना दिया हुआ था, 72, और मोलर मास क्या होता है, कैलकुलेट बहुत इजी है, योर O विल बी 16 हियर, योर 1 into 2 plus 16, सो 16 17 18 18 विल बी योर दिस, व्हाट आंसर विल यू गेट ओवर हियर, 4, सेम आंसर। फर्दर आप यूनिट भी लिखना है, यूनिट नहीं बोलना, जिस यूनिट सेम यहाँ पे भी आएगी, राइट। आई एम लैक ऑफ स्पेस, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू राइट। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, एथाइल अल्कोहल का। रिमेंबर सेम वैसे आप एक एक चीजें करते रहोगे तब आपको समझ में आएगा। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन फॉर ऑफ C2H5OH। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रिमेंबर याद होगा हमने क्या लिखा है, मोल फ्रैक्शन लिखा है, तो नंबर ऑफ मोल जितने हमारे C2H5OH में वो आए थे, और फिर हम वाटर और दोनों का ऐड कर देंगे, ठीक। वाटर और C2H5 को हमने 4 plus 1 नीचे डिनोमिनेटर में क्या किया है, ऐड कर दिया है। नाउ आपको क्या मिलेगा, 4/8। सेम वाइज आप क्या करने वाले हो, किसका कैलकुलेट करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। सेम यही आंसर मिलेगा, 4/8। क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल जितना है H2O में निकला था, बाकी H2O और इथाइल अल्कोहल का सिंपली डिनोमिनेटर में क्या करोगे, ऐड कर दोगे। सो दोनों का आंसर सेम आया। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू हैव टू डिवाइड बोथ दीज, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डिवाइड देम। डिवाइड क्यों करोगे, बिकॉज हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है, रेशियो। तो रेशियो हमारा हमें कैसे मिलता है, डिवीजन के बाद मिलता है, जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बचता है सेम वाइज हमें किस में मिलता है, रेशियो में। सो हमें क्या, हम मोल फ्रैक्शन में रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, रेशियो यू विल राइट हियर। व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज गाइस, सिंपली यू हैव टू डिवाइड बोथ द इक्वेशन। दिस इज योर 4/8 divided by 4/8,
When you will be dividing both these, you will get answer your 1:1. Means 1 by 1 and that will come your as 1:1. I think my dots are not visible to you, right? So, because this is a problem of application. So, that's why understand this slash gives you the point of ratio means 1:1 आपका क्या आएगा रेशियो फॉर्मूला एट आएगा. अगर आप ऐसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व लाइक दिस डायरेक्टली सो राइट डाउन मेकिंग देम शॉर्ट नोट. जैसे कि आप इन्हें शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हो. आई एम टेलिंग यू हियर 4:8 राइट एंड दिस इज योर ऑल्सो 4:8. इन दोनों को आपको क्या करना है डिवाइड करना है. दे ऑलरेडी आर इन डिविजन फॉर्म. सो क्या करो आप सिंपली लिखो 4:8/4:8. ठीक है समझ में आया. ये लिखोगे फिर आप क्या करो ये जो डिनोमिनेटर वाला इसे आप यहाँ पे ले जाओ मल्टीप्लिकेशन में. सो व्हाट विल यू गेट 4:8/8:4 ये अपसाइड डाउन हो जाएगा. Now you can solve, right? Simply you can easily solve these. Your 8 will be cancelled with 8 and 4 will be cancelled with 8 with your example of cross, multiple cross. So, ye to tha aapka second question. 5 questions hum log sare important discuss karenge and after that we will solve next questions also. Now your question number 3. What does it state? It's also very deep question. Understand with the care. Right? Your 5th question is to calculate molarity of distilled or pure water. Right? So, आपको क्या calculate करना है? Molarity calculate करना है. MOLARITY. You have to calculate the molarity. किसके form में? Mole per liter के form में. आपको क्या कैलकुलेट करनी है मोलारिटी राइट. और किसकी कैलकुलेट करनी ऑफ डिस्टिल्ड और प्योर वाटर मींस डिस्टिल्ड या प्योर वाटर में से आप किसी की भी कर सकते हो. सो दीज आर योर फ्यू एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चन बट आई एम नॉट टेलिंग यू अकॉर्डिंग टू दैम. आप सॉल्व करोगे सो आप एमसीक्यूज भी कर लो. सो इसमें आपको क्या करना है प्योर या फिर डिस्टिल्ड वाटर का आपको क्या करना है मोलारिटी निकालनी है. सो डज एनीबडी रिमेंबर्स द फॉर्मूला फॉर मोलारिटी. किसी को याद है? नो. अगर याद है तो दैट्स वेल एंड गुड. मोलारिटी का फॉर्मूला था आपका दैट इज योर डिनोटेड विद द कैपिटल एम राइट. Molarity was equal to number of moles of solute upon volume of solution in liter. Right? Upon volume of solution in liter. So, ये तो है formula आपका किसका molarity का. बट हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मोलारिटी के अकॉर्डिंग आप कैसे प्लेस करोगे इस क्वेश्चन को कैसे प्लेस करोगे मोलारिटी के. ना इसने आपको प्योर H2O की वैल्यू दी हुई है ना डिस्टिल्ड H2O की वैल्यू दी हुई है. सो हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो मोलारिटी मीन्स योर कैपिटल M राइट. सो मोलारिटी ऑफ H2O आपको मोलारिटी ऑफ H2O निकालनी है बट आपको वैल्यू नहीं दी हुई है H2O की. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट. सो इसके लिए आपको कुछ इस तरीके से अपने सॉल्यूशन को क्या करना पड़ेगा फॉर्मुलेट करना पड़ेगा. इसमें आप सबसे ऊपर क्या लिखोगे वेट ऑफ H2O दैट इज योर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर
and that is 2 divided by your volume of water in liter. What is volume of water in liter? अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, व्हाई वी हैव फॉर्मुलेटेड द फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला क्यों चेंज किया. सो आंसर फॉर योर डाउट इज वी हैव डन दिस बिकॉज हमें क्या नहीं पता है, कोई वेट नहीं पता है, एंड दिस इज योर टू डिवीजन साइन, राइट. सो वी आर, दैट्स व्हाई डूइंग दिस काइंड ऑफ सोल्यूशन. सो अब वेट ऑफ H2O आपको निकालना पड़ेगा. सो फॉर कैलकुलेटिंग वेट ऑफ H2O, सो वी विल वेट हमें कैसे पता चलता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट. सो वेट कैसे आप निकालोगे, वेट ऑफ H2O दैट इज योर कम्स अंडर द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम किस में होना चाहिए, ml में, राइट. सो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, डेंसिटी आप क्या ले लोगे, एक न्यूट्रल डेंसिटी मीन्स 1. सो यहाँ पे डेंसिटी आपने 1 ले ली, और ml में आपको निकालना था तो आप 1000 ml ले लिया, यानी कि 1 लीटर, ठीक. सो वेट आपका क्या आ जाएगा, 1000 ग्राम आ जाएगा. नाउ अब आपके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा इजी फॉर्मुलेट हो रहा है, ठीक है. अब आपको क्या पता चल गया, H2O का मास पता चल गया. नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर. सो इट्स इजी टू कैलकुलेट आई गेस, मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर, राइट. सो कैलकुलेट फॉर दैट मॉलिकुलर वेट ऑफ H2O विल बी योर, सो सिंपल, 18. 18 कैसे होगा, अगर बहुत से बच्चों को डाउट भी है, सो आई एम हियर अगेन सॉल्विंग फॉर योर कन्वीनियंस. फॉर योर H यू हैव वैल्यू फॉर 1, एंड योर O हैज वैल्यू फॉर 16, एंड योर दिस टू विल बी इन मल्टीप्लीकेशन विद 1 एंड इन एडिशन विद 16. सो व्हाट आई टोल्ड यू हियर, मैंने तो पूरा आपको यहाँ पे सोल्यूशन बता दिया, 1 इंटू 2 प्लस 16 दैट गिव्स योर 18 molecular weight for H2O, right. Now what you have to do is just put down with the formula of molarity. Molarity ka formula bhi maine starting mein discuss kiya with you all. So see, once again we will write that formula. Molarity means capital M, that is your equals to number of moles of solute upon volume of solution in liter. Right? So you are going to calculate. अब हमें इसमें सब पता चल गया, number of moles हमें पता चल गया है. क्या पता चल गया है, number of moles 18. Right? Molecular weight. So just put down those things with your नंबर ऑफ मोल्स एंड सब कुछ हमें ऑलमोस्ट पता चल चुका है. सो जस्ट पुट डाउन देम विद द फॉर्मूला, योर 1000 डिवाइडेड बाय 18, राइट. नंबर ऑफ मोल्स यानी करोगे मॉलिकुलर वेट, सॉरी गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास, देन डिवाइड दिस इक्वेशन विद 1, दैट इज योर टोटल वॉल्यूम. क्योंकि हमें या तो डिस्टिल्ड वाटर का निकालना था और या तो H2O का निकालना था, so we were not having any difference or any solubility in that, right. so ye to hai aapka pura formulation, bas now calculate down the answer for this, and here you come something about 55.56 moles per liter. so this was one of the question जो मैं आप लोगों को सॉल्व करवाना चाहती थी, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन, देन ओनली यू कैन सॉल्व डाउन द क्वेश्चन पर्टिकुलरली. सो फॉर दैट सेक आई ट्राई टू गिव यू द क्वेश्चंस व्हिच आर रियली इम्पॉर्टेंट एंड व्हिच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हेन, राइट. सो दीज वर थ्री क्वेश्चन.
So thank you so much for watching the video. Please do like, share and subscribe to my channel and stay tuned for the next video. Bye bye.